मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ये सुबह के समय के लिए, प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने हमें मौका दिया। आइए हम लोग आज के वचन मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 27 से 31 तक हम पढ़ें। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने उन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। कल हमने ये धनवान और लाजर की इस घटना को हमने मनन किया कि जब वो इस पृथ्वी में थे, दोनों के जीवन कितना फर्क था। एक ने जीवन के सब खुशियों को अनुभव किया, दूसरे ने जीवन के सारे संकटों को, दुखों को, उनको अनुभव किया। लेकिन मरने के बाद के जीवन में बिल्कुल उलट हो गई बात। जिसने प्रभु पर भरोसा किया उसका जीवन कैसा था, और जो धनवान जिसने परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ समझा और व्यवस्था के दिए हुए आज्ञाओं में गरीबों और कंगालों की जो मदद करनी है उस बात को ध्यान नहीं दिया, उसका अंत कैसे। आजकल बहुत से विश्वासियों के साथ भी ऐसा है, वो परमेश्वर की के वचन को महत्व नहीं देते हैं, वो इस बात की गंभीरता को नहीं समझते हैं कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर का जीवित वचन हमारा न्याय करेगा। और जो असलियत है कि प्रभु यीशु उस भीड़ को समझाना चाहते हैं कि हमारे इस पृथ्वी पर के जीवन से भी गंभीर है, महत्वपूर्ण है इस पृथ्वी से जाने के बाद का जीवन। इसलिए मुझे और आपको कितने ध्यान से जीना है, अपने प्रभु को कितना प्यार करना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है, नहीं तो उस दिव्य यानी ईश्वरीय न्याय से हमें कोई बचा नहीं पाएगा। उस नरक की तड़पने वाली आग से कौन बचा पाएगा, कोई रिवाज बचा नहीं पाएगा, ना ही हमारे रिश्तेदार या हमारे प्यारे लोग हमारे लिए कोई पुण्य का काम करें, हमारी स्थिति में कोई फर्क नहीं आएगा। इस धनवान आदमी ने अब्राहम को पिता कहा, अब्राहम ने उसे बेटा भी कहा, लेकिन पिता या बेटा कहने से परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। प्रभु यीशु साफ साफ कहते हैं कि दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है कि एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। अगर ऐसा है तो आज कितने लोग धोखे में पड़े हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि मरने के बाद अगर अजीज लोग दुआ मांगे या मन्नतें मांगे तो उसके जीवन के सारे बुराइयां से उसको माफी मिलेगा और परमेश्वर के नजरों में वो धर्मी ठहर पाएगा। कितना बड़ा धोखा है। इधर हम देखते हैं वो धनवान, उसको तो अपनी स्थिति की गंभीरता समझ में आ गई, भयानक स्थिति में है, लेकिन अभी उसे एहसास होता है कि मुझे तो इधर से छुटकारा नहीं, तो कम से कम मेरे भाई लोग इधर ना पहुंचे। सबसे बड़ा दर्द, ये तड़पने की जगह का सबसे बड़ा वेदना क्या है, हमारी यादगारी खत्म नहीं होती है। हमें वो एहसास होने लगता है जो अवसर हमने गुवाए, शर्मिंदगी महसूस होती है। परमेश्वर ने कितने अवसर दिए थे, मैंने उनको तुच्छ समझा। मरने के बाद भी हम लोगों को पहचानेंगे और वो हमारे दर्द को और बढ़ाएगा, हमारी शर्मिंदगी को और बढ़ाएगा। प्रभु यीशु साफ कहते हैं इस धनवान के 5 भाई हैं, उसका मतलब जो सामने भीड़ बैठी वो इस परिवार को जानती हैं और वो जीवित हैं। अब ये धनवान उनके उद्धार के लिए विनती कर रहा है क्योंकि उसे मालूम है मरने के बाद फिर कोई मौका फिर नहीं है। एक बार ये मौका चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। ये धनवान की सोच है, अगर कोई मरा हुआ जीवित होकर जाए और उनसे प्रचार करे तो शायद वो मन फिराएंगे, लेकिन परमेश्वर उसकी अनुमति नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर किसी को डरा कर, धमका कर, बलपूर्वक विश्वास में लाना नहीं चाहता। उनके पास परमेश्वर का वचन है, मूसा के द्वारा उन्हें व्यवस्था मिली है और
नबियों की पुस्तकें भी हैं, तो उनकी जरूरत एक और आश्चर्य का काम नहीं, उनको मन फिराव में आज्ञाकारी दिल देने के लिए एक और अजीब काम की जरूरत नहीं है। इसलिए ध्यान दे, प्रभु यीशु भी जो मरे हुए में से जी उठे, लोगों के बीच में फिर प्रचार का काम नहीं किए, ना ही बीमारों को चंगा किए, लोगों की भलाई फिर उसके बाद बिल्कुल नहीं। उसे हम परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं कि परमेश्वर किसी को जबरदस्ती अपने पास लाना नहीं चाहता, भावुक कर नहीं लाना चाहता। हमें प्रभु को प्यार करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और कुछ भी कीमत देना है उसके लिए हमें तैयार होना है। हम डर के साथ प्रभु को प्यार ना करें और उसी समय ध्यान रखें हम इस संसार की चीजों में ज्यादा व्यस्त भी ना हो जाएं। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन हमारे जीवन में मौका देता है और हम ये मौकों को ना खोए। ये जो घटना, ये दृष्टांत में जो घटना दी गई है, ये हमारे लिए गवाही है। कहीं हमारे लिए न्याय का कारण ना बन जाए और प्रभु हम एक एक को सहायता करें कि हम अपने इस जीवन के द्वारा स्वर्ग को प्रसन्नदायक जीवन बिता सकें। आइए सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद। जीवन की सच्चाइयां स्पष्ट तौर पर आपने हमारे सामने रखी हैं। बाप, विनती करते हैं इन दिनों में अपने जीवन को ध्यान देने के लिए हमें मदद कर। अगर हम में से कोई भी अभी भी इस सच्चाई तक नहीं आया, प्रभु आपकी आत्मा काम करे ताकि जीवन की कीमत को समझे और अनंत काल के लिए तैयार हो सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। आइए इन दिनों में सच्चे मन से प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन हम हर एक बिताए। ये वचन हम किसी के लिए न्याय का कारण ना बने। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा नाथा।